दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग। दोस्तों, दुनिया में सुपर हीरो की कहानियां हमेशा से सुनी और सुनाई जाती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि कई ऐसे सुपर हीरो असल जिंदगी में भी मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों के पास जन्म से ही ऐसी अजीबोगरीब शक्तियां हैं जिसे साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास बात तो जरूर होती है, जो इस खास बात को समय पे जान जाता है वो दुनिया में अपना नाम कमाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी अद्भुत शक्तियों को देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाओगे। चलिए दोस्तों, रूबरू करवाते हैं आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियों वाले लोगों से जिनकी शक्तियां आपको भी हैरान जरूर कर देंगी। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में जो आप देखोगे उसे आज आप देखकर हैरान जरूर हो जाने वाले हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जेडी एंडरसन। आपने दुनिया के बहुत से ताकतवर इंसान देखे होंगे, मगर जेडी की बात ही कुछ और है। इन्हें दुनिया आइसमैन के नाम से भी जानती है और ये अब तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इनके बाइसेप्स में इतनी ताकत है कि ये अपने हाथों से ही बेसबॉल बैट को तोड़ देते हैं और लोहे के फ्राइंग पैन को भी बेंड कर देते हैं। अपने मजबूत हाथों से ये लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और इन्हें इसलिए भी आइसमैन कहा जाता है क्योंकि जहां बर्फ के बड़े बड़े ग्लास को हथौड़े से तोड़ना मुश्किल होता है, तो वहीं ये उन हेवी आइस ब्लॉक्स को अपने सर से तोड़ देते हैं, वो भी लाइव लोगों के सामने, जो कि काफी हैरानी वाली बात है। वसीली कामोत्स्की। दोस्तों, रशिया में थप्पड़ मारने की चैंपियनशिप होती है और उसी में कामोत्स्की खेल के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि इनका थप्पड़ इतना खतरनाक होता है कि इससे बड़े बड़े खिलाड़ी भी बेहोश हो जाते हैं। और आप इनके खतरनाक थप्पड़ का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये अपने एक ही थप्पड़ से तरबूज के भी कई टुकड़े कर देते हैं, और अगर किसी नॉर्मल इंसान को इनका थप्पड़ लग जाए तो फौरन तौर पर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वो शख्स कई दिनों तक बेहोश भी रह सकता है। ब्रायन शॉ। ये 6 फीट 8 इंच के हैं और इनका वजन है 190 किलो। ब्रायन अमेरिका के एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिटर हैं और ये 2011 से 2016 तक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन लगातार जीते। इनका अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो है 454 किलो का डेडलिफ्ट, जिसे करते हुए इनकी नाक से खून भी निकल आया था। एडी हॉल। दोस्तों, ये 6 फीट 3 इंच के हैं और इनका वजन है 182 किलो। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की बात होती है तो एडी हॉल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये दुनिया में अकेले इंसान है जिसने 500 किलो की डेडलिफ्ट मारी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो इनके नाम पे है। साथ ही इन्होंने कई स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं। दिमित्रो खलात्ज़े। दोस्तों, ये 6 फीट 1 इंच के हैं और इनका वजन सिर्फ 126 किलो है। दोस्तों, 2009 तक इनके नाम 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, और ये अपने हाथों से लोहे को मोड़ देते हैं और अपने कंधे पर भारी भरकम लकड़ी रखवाकर फिर उस पर 25-30 लोगों की ताकत लगवाकर उसे तोड़वा देते हैं। अपने ऊपर कार चलवा लेते हैं और दोनों हाथों से कार को उठा भी लेते हैं। जहां लोग घोड़ों की सवारी करते हैं, ये अपने कंधे पे घोड़े को चढ़ाकर उसे सवारी करवाते हैं और अपने कंधे पर 10 लड़कियों को हवा में भी उठाकर घुमा लेते हैं। दोस्तों, सच में ये इंसान वाकई में कमाल है। डेनिस सेप्लिंकोव। दोस्तों, ये 6 फीट 1 इंच के हैं और इनका वजन है 139 किलो। डेनिस एक आर्म रेसलिंग चैंपियन हैं, और हम बता दें कि दुनिया में सिर्फ गिनती के ही कुछ लोग हैं जो अब तक डेनिस को आर्म रेसलिंग में हरा पाए हैं, क्योंकि ये साथ ही एक बॉडी बिल्डर भी हैं और इनके दोनों हाथ किसी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा बड़े हैं, और इनके बाइसेप्स का साइज है 25 इंच, जो कि रशिया के सबसे बड़े बाइसेप्स माने जाते हैं। हैफर जूलियस। दोस्तों, ये 6 फीट 9 इंच के हैं और इनका वजन है 180 किलो। जूलियस वैसे तो एक एक्टर हैं, पर साथ साथ ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से भी एक हैं, क्योंकि इन्होंने 31 जनवरी 2015 को 1000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, और ये रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था नॉर्वे में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन में, जहां पर इन्होंने अपने कंधों पे 6 से 50 किलो का वजन उठाकर 5 कदम की दूरी तय की थी, और इसके साथ ही ये हमेशा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के हर कॉम्पिटिशन में टॉप 3 में रहते हैं। गीगा गुरु। दोस्तों, इस शख्स को असली निंजा कहा जा सकता है। इनके मूव्स देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि गीगा के फादर ने उनको 4 साल की उम्र में ही टाइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन करवा दी थी, और तब से लेकर आज तक वो कभी रुके ही नहीं और उनका सफर लगातार जारी रहा। दोस्तों, आज ये बड़ी बड़ी स्किल्स में माहिर हो चुके हैं, जिसमें बॉक्सिंग, कराटे, जिमनास्टिक्स के अलावा एक्रोबैटिक्स भी शामिल हैं,
और दोस्तों इतनी सारी फाइटिंग स्किल्स के कॉम्बिनेशन से वो किसी भी इंसान को आसानी से पछाड़ सकते हैं, क्योंकि इनका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही तेज और यूनिक है, इसलिए कोई भी शख्स इनसे लड़ना नहीं चाहेगा। और दोस्तों आपने शायद ही अपनी जिंदगी में कोई इतना फिट इंसान देखा होगा। दोस्तों इनके स्किल्स वाकई में अमेजिंग है। शियान मिंग। दोस्तों दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की बात हो रही और इनका नाम न आए ऐसा कैसे मुमकिन है। इनको 5 साल की उम्र में ही शाओलिन टेंपल भेज दिया गया था, जहां इन्होंने मार्शल आर्ट के साथ साथ कई दूसरी कलाएं भी सीखी और फिर यहां ये दुनिया के सबसे यंग मॉन्क बन गए। और 1992 में इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जिसकी वजह से इन्हें अमेरिकन कुंगफू एसोसिएशन ने अमेरिका आने का न्योता दिया। लेकिन अमेरिका जाने के बाद वो कभी चाइना वापस नहीं गए, शायद इनको बैट्स उतने पसंद नहीं। और इन्होंने कई सेलिब्रिटीज को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है। नीडल पियर्स्ड ग्लास। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं, गति की ताकत बड़ी होती है, पर मॉन्क ने अपने पावर ऑफ स्पीड को भी अपने वश में कर लिया है। इस शाओलिन ट्रेन मॉन्क के पास एक सुई से कांच की मोटी सतह पर छेद करने की काबिलियत है, वो भी सुई को चुभा कर नहीं बल्कि सुई को फेंक कर। यकीन नहीं होता तो आप जरा इस वीडियो को खुद देख लीजिए। मेडिटेटिंग विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग। दोस्तों कहते हैं कि मानव शरीर ज्यादा दिन तक भूखा नहीं रह सकता, अन्यथा शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। पर इन मॉन्क्स ने अपने मेटाबॉलिज्म पर यानी कि शरीर की एनर्जी इस्तेमाल करने की क्षमता पर काबू पा लिया है। कुछ मॉन्क्स तो कई महीनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में लगे रहते हैं, और जब वो अपने ध्यान आसन से उठते हैं तो डॉक्टरी चेकअप के दौरान भी उनके वाइटल्स नॉर्मल पाए जाते हैं। बॉल्स ऑफ स्टील। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉन्क तेज किक्स को सीधे अपने ग्रोइन एरिया यानी अपने अंडकोश के ऊपर झेल रहा है। इस किस्म का एंडोरेंस केवल इन मॉन्क्स के पास ही होता है, और एक मर्द के शरीर के सबसे नाजुक माने जाने वाले इस स्थान पे इतने खतरनाक वार कैसे झेल पाते हैं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। पीपल डूइंग एक्रोबैटिक्स ऑन द हिल्स। दोस्तों इन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने युद्ध कौशल को जमीन पे नहीं बल्कि पहाड़ों पे अभ्यास कर सीखा है। किसी भी युद्ध में जीतने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण चाहिए वो है बैलेंस। इन मॉन्क्स ने इन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर ऐसे ऐसे आसन करने का अभ्यास किया है जो एक आम फाइटर समतल धरती पर कर ही नहीं सकता। और दोस्तों जरा सोचिए कि कितने फोकस्ड और कितने बलवान होते होंगे ये मॉन्क्स। कठिन ट्रेनिंग और मेडिटेशन की वजह से इन मॉन्क्स ने सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को हासिल कर लिया है। आइस कॉन्सेंट्रेट। दोस्तों बर्फ से कुछ ही डिग्री से ज्यादा तापमान वाला यह बर्फीला पानी, सोचिए इसमें आदमी अगर एक बार नीचे खड़े होकर हट भी जाए तो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन इस मॉन्क ने विशेष ध्यान यानी मेडिटेशन का एंड्योरेंस टेस्ट करने के लिए इस ठंडे पानी को चुना। ये मॉन्क अपने ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति से अपने शरीर के तापमान पर कंट्रोल पा चुके हैं, और ये किसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी से कम नहीं है। और दोस्तों कहा जाता है कि प्राचीन काल में वो अपने सांस पे काबू करके अपने मन में विचारों को गतिमान होने से रोककर ऐसी अति मानवीय शक्तियों को प्राप्त करते थे। वॉकिंग ऑन वाटर। दोस्तों इस मॉन्क के सुपर पावर कुछ अलग ही है। इन्होंने अपने शरीर को पानी पर बैलेंस करना सीख लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तालाब में लकड़ी की पतली तख्तों से बनी एक ब्रिज है, और इन तख्तियों पर अगर कोई आम आदमी पैर रखेगा तो केवल एक ही दिशा में जा सकता है, सीधा तालाब के नीचे। लेकिन इस अत्यंत ध्यान केंद्रित मॉन्क को देखिए, इसने अपनी चपलता और दिमाग के संतुलन की क्षमता से इन पतली लकड़ियों के तख्तों की सहायता से पानी पर चलकर दिखा दिया। कॉन्सेंट्रेट इन बॉइल्ड ऑयल। दोस्तों ये जिस कढ़ाई पे ध्यान लगाए बैठे हैं उसमें तेल उबल रहा है। एक आम आदमी अगर इसमें अपनी उंगली भी डुबा दे तो वो जल जाएगा, फ्राई हो जाएगा, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इन लोगों में से आपको किन की शक्तियां सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।